भारत की स्वाधीनता के लिए 1857 में हुए संग्राम में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया था। कहीं कहीं तो उनकी वीरता को देखकर अंग्रेज अधिकारी और पुलिसकर्मी आश्चर्यचकित रह जाते थे। ऐसी ही एक वीरांगना थी झलकारी बाई, जिन्होंने अपने वीरोचित कार्यों से पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश में झांसी के ग्राम भोजला में हुआ था। उनके पिता मूलचंद सेना में थे। घर के वातावरण में शौर्य और देशभक्ति की भावना का प्रभाव था। घर में लड़े गए युद्ध, सैन्य व्यूह, सैनिकों की वीरता और विजयों की चर्चा होती रहती थी। पिता ने बचपन से ही झलकारी को अस्त्र शस्त्र चलाना, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना और ऊंचाई से छलांग लगाना भी सिखाया। एक बार बालिका झलकारी जंगल से लकड़ी काटकर ला रही थी तो उसका सामना खूंखार चीते से हो गया। वह घबराई नहीं, झलकारी ने कटार से एक वार से चीते का काम तमाम कर दिया और उसकी लाश को कंधे पर लादकर गांव ले आई। इसी तरह एक बार गांव के प्रधान को डाकुओं ने घेर लिया। संयोगवश झलकारी भी वहां पहुंच गई और डाकुओं की भरपूर ठुकाई कर उन्हें पकड़कर ले आई। ऐसे वीरोचित घटनाओं से झलकारी पूरे गांव की प्रिय बेटी बन गई। जब झलकारी युवा हुई तो उनका विवाह झांसी की सेना में तोपची पूरन कोहली से हो गया। जब झलकारी रानी लक्ष्मीबाई से आशीर्वाद लेने गई तो उन्होंने झलकारी के सुगठित शरीर को देखकर और शस्त्राभ्यास की जानकारी पर उन्हें दुर्गा दल में भर्ती कर लिया। 1857 में अंग्रेज सेना झांसी पर अधिकार करने के लिए किले में घुस रही थी तो झलकारी रानी के महल में पहुंची और उन्हें दत्तक पुत्र सहित सुरक्षित किले से बाहर जाने में सहायता दी। झलकारी ने इसके लिए जो काम किया उसकी कल्पना मात्र से ही रोमांच हो उठता है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के गहने और वस्त्र पहनकर रानी को साधारण महिला के कपड़े पहनाकर किले के बाहर निकाल दिया और खुद रानी का वेश धारण कर रणचंडी बनकर अंग्रेजों पर टूट पड़ी। काफी समय तक अंग्रेज सेना के अधिकारी भ्रम में पड़े रहे। वे रानी लक्ष्मीबाई को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु दोनों हाथों में तलवार लिए झलकारी उनके सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। तभी देशद्रोही दुल्हाज ने जनरल ह्यूरोज को बताया कि जिसे वे रानी समझ कर रहे हैं वह तो दुर्गा दल की नायिका झलकारी बाई है। यह जानकर ह्यूरोज दंग रह गया। उसके सैनिकों ने एक साथ धावा बोलकर झलकारी बाई को पकड़ लिया। झलकारी फांसी से मरने के बजाय वीरता की मृत्यु चाहती थी। उनकी सखी वीरबाला ने संकेत पाते ही उनकी वीरोचित जीवन को अक्षुण रखते हुए जीवन लीला को समाप्त कर दिया और वे इतिहास में अमर हो गईं। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।